अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब होंगे ठीक ठाक। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि दो दिन पहले जो है खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उठाया गया था और बहुत सारे हालात जो है मुल्क में खराब हुए थे। दो तीन दिन से नेट भी नहीं चल रहा था और हर जगह जो है तोड़फोड़ जारी थी और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है अरे बेकार भाई, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने जो है इमरान खान को उस केस में, मतलब जो जिस केस में इमरान खान को उठाया गया था, उस केस को गैर कानूनी करार देकर इमरान खान साहब को जो है रिहा करने का हुक्म दिया था। लेकिन जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि आज रात जो है वो पुलिस गेस्ट हाउस में जो है चीफ जस्टिस साहब का गेस्ट के तौर पे रात गुजारेंगे वहाँ पे, और कल जो है उसके बाद जो है वो जाएंगे लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और उसके बाद जो है जो कुछ होगा तो वो कल देखा जाएगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं अपने टीम की तरफ से कि मुल्क में जो अनारगी पहली हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसका खात्मा हुआ। और हर किसी का हक है एहतजाज करना, लेकिन एहतजाज के आड़ में, मतलब ये तोड़फोड़, ये किसी को भी जो है पाकिस्तान का आईन इसका इजाजत नहीं देता है। जितना भी तोड़फोड़ हुआ है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ है। 30 से 40 कारकुन शहीद हुए, उनके लिए हम मगफरत की दुआ करेंगे और पीटीआई से रिक्वेस्ट करते हैं। इमरान खान तकरीबन रिहा हो चुका है और कल इंशाल्लाह रिहा हो जाएगा, तो उसके आने पर कोई खुशी ना मनाए, क्योंकि पीटीआई के 30 से 40 कारकुन शहीद हुए, तो हमने आज सिया पट्टी बांधी है। इसीलिए एहतजाज के लिए पीटीआई से नहीं था, वो पाकिस्तानी थे और उनका ताल्लुक पाकिस्तान से था। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारा ताल्लुक जो है वो किसी भी पार्टी से नहीं है, हम जो है हमारी सबसे पहले जो है वो पाकिस्तान है, उसके बाद जो भी पार्टियाँ है वो हम सब के, जो भी पार्टी है वो हमारे लिए अजीज है, चाहे छोटी हो या बड़ी, हर पार्टी के कारकुन की हम दिल से इज्जत करते हैं, किसी में भी जो है हम फर्क नहीं करते। बस जो जवान शहीद हुए हैं उनके लिए जो है हम मगफरत की दुआ करेंगे, अभी बच्चे के उनकी मगफरत के लिए दुआ करें। आगे आ जाओ। आमीन। सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। दोस्तों, एहतजाज करना हर किसी का हक है, लेकिन इस तरह तोड़फोड़ जो है वो बिल्कुल भी मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और लोगों के लिए भी जो है अच्छा नहीं है। खासकर जैसे आप लोगों को पता है कि मुल्क के क्या हालात चल रहे हैं। बस अल्हम्दुलिल्लाह हम खुश हैं, इसलिए नहीं खुश कि मिसाल के तौर पर यह हमारी किसी पार्टी से वापस्तगी है, हम खुश इसलिए है कि मुल्क में जो इंतशार थी, जो इंतशार था, वो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है एक दो दिन में खत्म हो जाएगा और मुल्क जो है पहले की तरह नॉर्मल हालात पे आ जाएगा। आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर ये मुजाहरे कर भी रहे हैं तो पुरअमन रहिए और शाइस्तगी का दामन जो है वो हाथ से ना जाने दे। चलिए दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।